हेलो हाय फ्रेंड्स, आपका AMR लाइव क्लास IIT चैनल पे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। तो हम अपने पिछली क्लास में देखे थे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2 आज स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो आपने अगर पिछली क्लासेज नहीं देखी हो तो पिछली क्लासेज जाके जरूर देखें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला पहला क्वेश्चन। मैंने आपके लिए क्वेश्चन नोट कर दिया है, तो आइए हम इसको पढ़ के देखते हैं। सुनील ने 21,900 रुपये की राशि 10 जनवरी 2004 को उधार ली। यदि साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर कितनी हो? 8% हो, तो बताओ 13 जून 2004 को वह कितनी राशि लौटाएगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स, हमें मिश्रधन पूछा है। मैंने आपको कल मिश्रधन निकालना सिखाया था, प्रिंसिपल निकालना भी सिखाया था, टाइम निकालना भी सिखाया था, दर निकालना भी सिखाया था। और आपको अगर मिश्रधन दे दिया जाए, मूलधन दे दिया जाए और आपको साधारण ब्याज निकालना हो, तो वो भी मैंने आपको सिखा दिया था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो पिछली क्लास जाके जरूर देखें। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये क्लास बहुत इजी लगेगी। उसमें मैंने एक कहानी के आधार पे आपको मैं ये सिंपल इंटरेस्ट समझाने की कोशिश की थी फ्रेंड्स। अगर आपको वो कहानी समझ में आ जाती है तो आप इस साधारण ब्याज को आसानी से कर पाओगे। उसके बाद भी हम देखेंगे चक्रवर्ती ब्याज। ओके, तो आइए हम पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, हम पहले उनको नोट डाउन कर लेते हैं फ्रेंड्स। और हमें जो टाइम दे रखा है, हम टाइम कितना दे रखा है, हम 10 जनवरी 2004 को उधार ली और वो कितनी तारीख को लौटा रहा है, 13 जून 2004 को ही वो लौटा रहा है। ओके, तो हमें जो दिन निकालने होंगे, दिन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको वर्ष में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। और मैंने फ्रेंड्स आपको कल वाली क्लास में जितना भी कुछ करवाया है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखे हो तो आपको ये क्लास समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। समझाने की गारंटी मेरी है, आप समझ जाओगे, लेकिन आप अगर पिछली क्लास देख लेते हो तो और भी आपके लिए इजी रहेगा। तो आइए, इसमें आपको मूलधन दे रखा है, कितनी राशि दे रखा है हमें, 21,900 रुपये। 21,000 कितना दे रखा है हमें, 900 रुपये हमें दे रखा है। ओके, ये क्या हो गया अपना मूलधन। पी को हम किससे डिनोट करते हैं, मूलधन को हम किससे किससे डिनोट करते हैं, पी से। ओके, अब हमें दे रखा है टाइम। टाइम कितनी तारीख को उसने उधार लिया, 10 जनवरी 2004 को उसने उधार लिया, और कितने टाइम तक के लिया, 13 जून 2004 तक। इसके बीच में जो मध्य अंतराल आएगा वो हम टाइम निकालेंगे। कहने का मतलब, पहले हम टाइम निकालना देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमें 10 जनवरी तक दे रखा, 10 जनवरी को उसने लिया, तो जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, 31। तो 31 में से हम क्या करेंगे, 10 को माइनस कर दें, क्योंकि इसने 10 जनवरी को लिया, 10 जनवरी पहले वाले दिन तो ऐसे ही चले गए फ्रेंड्स। तो इसने 10 जनवरी को लिया, तो हम क्या करेंगे, आगे आने वाले जो 21 दिन रहेंगे उनको ऐड करते हैं। ओके, तो जनवरी के बचे हुए दिन कितने रहेंगे, 21। तो हम यहाँ पे 21 ले लेंगे, 21। अब जनवरी के बाद में क्या आता है फ्रेंड्स, फरवरी। अब आपको पता है 2004, इसमें 4 का अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो वो वर्ष हम लेते हैं 29 दिन का। जो फरवरी आएगी वो अपनी अधिवर्ष में आएगी। ओके, तो अपना जो फरवरी का महीने में कितने दिन होते हैं, यहाँ पे जब इसमें कितना का भाग चला जाएगा, 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वो किस में आता है, अपना लीप वर्ष या अधिवर्ष में। तो यहाँ पे अपना जो फरवरी कितना आएगी, 29 दिन की आएगी। अब प्लस करेंगे, जनवरी हो गए, फरवरी हो गए, अब मार्च आएगा, तो मार्च में कितना होता है, 31। मार्च अप्रैल में कितना दिन होते हैं, 30। महीने में कितने दिन होते हैं वो देखिए फ्रेंड्स, हमने महीने का दिन ले रहे हैं। ओके, अगर आप इनके कोड याद कर लेते हो फ्रेंड्स, तो आपके लिए और भी आसानी रहेगा। तो 21 + 29 + 31 + जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून के कितने दिन ले रखा है इसने, 13 जून तक। तो हम यहाँ पे 13 को ऐड कर देंगे। अब आप इसको ऐड कर लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है, देखिए, 3 4 4 5 5 9 कितना होगा फ्रेंड्स, 14 14 1 15, 15 का 5, 8 से लगे 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15। तो अपना मान कितना है, 155 दिन। ये किसमें काउंट हो गया है, अपने दिनों में आ गया। अब हमें पता है जब हम दिन दे दिया जाता है तो एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल कितने दिनों से मिलकर बनता है फ्रेंड्स, 365 दिन से। तो हम क्या करेंगे, इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 का हम जब भाग दे देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने वर्ष में। तो आइए इसको हम वर्ष में कन्वर्ट करते हैं, 155 के अंदर जब हम भाग दे देंगे 365 दिन का, क्योंकि एक वर्ष में
एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। ये आपको पता है फ्रेंड्स, जब हम इसको 365 का अगर इसमें भाग देंगे तो अपना मान कितना आ जाएगा, वर्ष में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, हम इसको किससे काट सकते हैं, पाँच से काट लेते हैं। 5 3 15 आ गया, 5 1 5 अपॉन 5 7 35, कितना बचा? एक, और यहाँ पे 5 है तो कितना आ जाएगा, 5 3 15। ओके मेरे साथियों, तो हमने देखा यहाँ पे 31 अपॉन 73 वर्ष। ओके, अब हम देखेंगे दर कितनी देर की, हमें दर कितनी देर की फ्रेंड्स, 8%। टाइम हमने निकाल लिया, कितनी राशि लौटाएगा, टोटल राशि हमें पूछा। तो हमने यहाँ पे दिन निकाल लिया फ्रेंड्स, कितना टाइम, टाइम हमने आसानी से निकाला, 31 अपॉन 73 हो गया। और हमें प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, दर दे रखी है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, साधारण ब्याज निकालने के लिए हम अपना फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 का हम जब भाग देते हैं तो अपना मान आ जाता है। तो पी हमें कितना दे रखा है, 21900, 21900 मल्टीप्लाई आर कितना दे रखा है हमें, 8%, तो 8 यहाँ पे ले लेंगे। और मल्टीप्लाई टी कितना दे रखा है, 31 अपॉन 73, तो 31 बटे वन चला जाएगा 73। तो 100 हम लेते हैं फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई में 73 अपना मान आ गया। अब देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से जब हम काटेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा फ्रेंड्स, 73 से जब आप इसको काटोगे तो 3 3 9, 7 21, तो यहाँ पे कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। अब आपने देखा ऐसे ही कितना आ जाएगा, 8 1 8, 8 3 24, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से इसको, 8 3 24 का 4 ऐसे लगी 2, 4 3 12 और 1 13 14, 4 3 12 13 14, 1 ऐसे लगी 1, 3 2 6 1 7, कितना मान आ गया अपना, 744। अब हम देखेंगे, हमें पूछा है मैं साधारण ब्याज कितना आ गया अपना, 744। अब हमें पूछा है मिश्रधन, मिश्रधन ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, पी प्लस ए सही होता है फ्रेंड्स। तो ए बराबर मूलधन कितना दे रखा है, 21 21900 प्लस करेंगे इसमें 744, इनको ऐड कर दीजिए फ्रेंड्स, अपना मिश्रधन आ जाएगा 44, ऐसे कैसे आ जाएगा, 7 2 14 और 15 16 का 6 ऐसे लगे 1 2 और यहाँ पे 2, 22644 रुपये अपना आंसर आ गया। हमें मिश्रधन पूछा गया था फ्रेंड्स, कितना आ गया अपना, 22644 रुपये आ गए। हमने देखा इस क्वेश्चन में आंसर, मतलब हमें दिनों में टाइम दे रखा था तो हमने उनको कन्वर्ट किया वर्ष में, वर्ष में कन्वर्ट करने के बाद हमें पता है कि एक वर्ष में कितना दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। जब हमें इसको वर्ष में कन्वर्ट करना था, 155 दिन हमें दे रखा था, 365 का जब हम भाग लगाएंगे तो 31 अपॉन 73 वर्ष आ गया। क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो गया, हमें साधारण ब्याज निकालना था, साधारण ब्याज निकालने के बाद में हमें मूलधन दे रखा था और मिश्रधन में हमें पूछा गया था कि जब हम राशि उसको लौटाएंगे तो कितनी राशि लौटाएंगे, हम टोटल करके लौटाते जो उनसे हमने पैसे लिया था, क्या 21900 रुपये हमने उनसे लिया, और लेने के बाद में जब हम उनका साल भर बाद में या जो हमें टाइम दे रखा है उनके अकॉर्डिंग जब हम उनका पैसा लौटाते हैं तो हम ब्याज के साथ में लौटाते हैं, तो अपना वो जो ब्याज के साथ में हम लौटाते हैं वो कितना मान आएगा अपना, 22644, जो ये क्या रहेगा अपना, मिश्रधन होता है। आप समझ गए क्वेश्चंस को, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिए फ्रेंड्स, मैं किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा, कहने का मतलब हमें मूलधन पूछा है। ओके, तो हमें जो दे रखा है हम उनको नोट डाउन करते हैं, क्योंकि हमें पूछा गया है मैं किस राशि का, राशि हमें नहीं दे रखी तो हमें राशि निकालनी है, तो राशि पी हमें फाइंड आउट करना है। 15% साधारण ब्याज की दर से हमें दर क्या दे रखी है, हमें 15%, 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का, टाइम कितना दे रखा है हमें, 8 महीने दे रखा है। और आपको पता है कि साल में कितने बारह कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। जब हम इसमें 12 का भाग लगाएंगे तो अपना मान कितना आ जाएगा, मैं 4 2 8, 4 3 12, आपने देखा 2/3 किसमें कन्वर्ट हो गए, ये वर्ष में। ओके, 4 3 12, 4 2 8, 2/3 वर्ष आ गया, हमने टाइम निकाल लिया। ब्याज कितना दे रखा है हमें, साधारण ब्याज हमें दे रखा है 54 रुपये हो जाता है, या 54 रुपये हो जाएगा।
हमें मूलधन निकालना है। मैं कौन सी राशि का साधारण ब्याज की दर से 15% दर उसने दे दी है, और टाइम हमें 2 से 3 बटे 2 बटे 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, हमें यह पूछा है। साधारण ब्याज हमें दे रखा है 54 रुपये, तो कौन सी राशि थी पी। पी बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन R इंटू टी होता है फ्रेंड्स। तो पी बराबर साधारण ब्याज हमें कितना दे रखा है 54 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन R कितना दे रखा है हमें 15%, तो हम 15 का क्या लगाएंगे यहाँ पे भाग और मल्टीप्लाई। टाइम कितना दे रखा है 2 बटे 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे रह जाएगा। आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 बटे 3 ऐसे लिखोगे तो 3 को हम ऊपर भेज देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह गया। पी बराबर क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब आप इसको काटोगे 15 दूना 30 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 54 54 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 15 दूना 30। अब आपको पता है 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो मान कितना आया अपना 54 मल्टीप्लाई 10, तो अपना मान आ गया 540 रुपये। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया फ्रेंड्स। अब हमें मूलधन पूछा गया था, साधारण ब्याज हमें दे दिया गया था, टाइम हमने देखा 8 मास महीनों में दे रखा था, तो हमने इसमें 12 का भाग दिया, तो अपना मान कितना आ गया 2 से 2 बटे 3 वर्ष आ गया। मूलधन हमें पूछा गया था, तो हमने मूलधन निकाला। और अगर आपको यहाँ पे मिश्र धन भी पूछा जाता फ्रेंड्स, तो ए बराबर क्या होता है, पी प्लस ए सही होता है। तो ए बराबर हम रखते हैं, पी का मान कितना दे रखा है हमें 540 रुपये आ गया अपना, 540 प्लस करते साधारण ब्याज को 54, तो 4 5 4 9 और 5, 594 रुपये अपना मिश्र धन हो जाता। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 6600 रुपये की राशि पर कितने समय में 6 से 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 845 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमें पूछा क्या गया, कितने समय में, कहने का मतलब हमें टाइम निकालना है। जो हमें दे रखा है हम पहले उनको नोट डाउन कर लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, कितना दे रखा है 6600 रुपये। ओके, कितने समय में हमें टाइम निकालना है, कितने समय में 6 से 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो हमें दर कितनी दे रखी है फ्रेंड्स 6 से 1/2%। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 6 12 12 1 13, 13 बटे 2% भी आप इसको लिख सकते हो। ओके, अब हम देखेंगे हमें दर से 845 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा, तो हमें दे रखा है साधारण ब्याज कितना दे रखा है 845 रुपये इसमें प्राप्त होगा। अब हम इसमें देखते हैं मैं टाइम कैसे निकालना है। ओके, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टी बराबर साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन P इंटू R। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हमें कितना दे रखा है 845 रुपये। जो मान हमें दे रखा है वो हम मान रखते हैं फॉर्मूले में और आसानी से आंसर निकाल लेते हैं। मूलधन कितना दे रखा है हमें 6600 रुपये, मल्टीप्लाई दर कितने दे रखी है 13 बटे 2, तो 13 मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा 2। ओके, तो आपने देखा 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा, 13 को जब मल्टीप्लाई करोगे 65 से तो मान कितना आएगा 845, तो 845 आएगा, तो अब हमने देखा 1 वर्ष चलेगा, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 2 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन देखते देखते सॉल्व हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, और आपको बेसिक मैंने कल वाली क्लास में करवा दिया था, तो आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ओके, जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाऊँ आप उनको नोट डाउन जरूर करें, और अपने आप से करने की प्रैक्टिस जरूर करें। इनसे जितने भी मैं क्वेश्चंस, अगर आपको ऐसा क्वेश्चंस कहीं पे भी दिखे तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर कर पाओ। ओके, तो मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा वो आपके प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ओके, तो आप अपने आप से भी प्रैक्टिस जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी, हमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन इसमें मेथड कुछ अलग है। ओके, तो हमें कोई राशि, मान लीजिए वो कोई राशि X रुपये है, कोई राशि कितनी है
माना कोई राशि क्या है, एक्स रुपए है। ओके, एक्स रुपए है। 10% की दर से, दर कितनी दे रखी है हमें, 10% की दर से कितने समय में, टाइम हमें पूछा है फ्रेंड्स, कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। कहने का मतलब यहां से ये कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। हमें दे रखा था, हमने माना क्या, एक्स कोई राशि थी, वो एक्स रुपए थी, और एक्स रुपए थी तो वो कितने समय में 3 गुनी हो जाती है, तो एक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से, तो वो 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक्स को मल्टीप्लाई किया 3 से, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने माना कोई राशि एक्स रुपए थी, स्टार्ट में कोई जो राशि थी वो एक्स रुपए थी, तो वो कितने समय में 10% की दर से वो 3 गुनी हो जाती है। जो राशि दे रखी थी हमने माना था वो मूलधन एक्स रुपए था, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो वो 3 गुनी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे ये क्या आया अपना, एक्स ये क्या है अपना, मिश्रधन है, क्योंकि वो राशि जो मतलब जो वो मूलधन दिया हुआ था, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, क्योंकि वो 3 गुनी, और उस पे जो ब्याज लग रहा है वो ब्याज भी इसमें ऐड होगा, तो ब्याज ऐड होगा तभी तो वो कितनी गुना होगी, 3 गुना होगी। तो हमें टाइम पूछा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, वो एक्स हो जाएगा। अब आपको पता है ए बराबर टी प्लस ऐसा ही होता है। अब आपने माना मूलधन एक्स रुपए था और आपका मिश्रधन क्या होगा, 3x, तो हम 3x बराबर पी क्या था अपना, एक्स, तो एक्स प्लस एस आई। तो आप अगर एस आई फाइंड आउट करना चाहोगे फ्रेंड्स, तो आप माइनस कर दोगे, 3x में से माइनस किया एक्स, तो बराबर क्या आ गया, एस आई, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, 2x अपना मान आ गया। तो हमने देखा साधारण ब्याज कितना आ गया, 2x आ गया। अब आपको फॉर्मूला जो पता है, उस फॉर्मूले से आप आसानी से हल कर पाओगे, क्योंकि आपको टाइम पूछा है। तो t बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, t बराबर साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन p इंटू आर होता है। तो t बराबर साधारण ब्याज हमें कितना दे रखा है, साधारण ब्याज कितना दे रखा है हमें, 2x, 2x हमने निकाला, 2x साधारण ब्याज हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे अपॉन पी, कितना दे रखा है, पी हमने माना था एक्स रुपए, तो हम यहाँ पे एक्स ले लेंगे, मल्टीप्लाई दर हमें कितनी दे रखी है, 10%, तो हम यहाँ पे 10 ले लेंगे। ओके, तो टी बराबर एक्स से एक्स कट होगा, 10 से ये 0 कट होगा, तो 10 दूना 20 वर्ष कितना आ गया फ्रेंड्स अपना, 20 वर्ष टाइम आ गया, कि वो राशि 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। जो हमें मूलधन एक्स रुपये था, वो 20 वर्ष बाद में कितना गुना हो जाएगा, 3x के, मतलब उस राशि का 3 गुना हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, पर मैं एक तरीका और आपको बता देता हूँ। वो राशि क्या थी, 100 रुपये थी, माना वह राशि कितनी थी, 100 रुपये थी। ओके, अब आपको दर कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। ओके, 10% के दर के हिसाब से कितना, कितने टाइम में, टाइम हमें पूछा गया है, कितने समय बाद, वो कितनी गुना हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। कहने का मतलब ये 100 है तो वो कितनी गुना हो जाएगी, 3 गुना, कहने मतलब जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो अपना मान कितना आ जाएगा, 300, तो यहाँ पे 300 आ गया। अब ये 300 क्या है अपना, मिश्रधन अमाउंट आ गया फ्रेंड्स, अमाउंट आ गया। अब आपको पता है ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, पी प्लस ए सही होता है। ए हमें कितना दे रखा है, 300, क्योंकि हमने 300 निकाल लिया, 300 निकाला, पी हमने 100 रुपये था, 100 से वो कितना हो गया था, 300 रुपये, क्यों, 3 गुना हो गया। 3 गुना होने के बाद में हमने ये देखा, अब अमाउंट जो आता है उसमें हमें पता है कि मूलधन और साधारण ब्याज मिक्स में आता है, क्योंकि दोनों जुड़ करके अपना अमाउंट बनता है, तो हमें 300 रुपये में से माइनस कर देंगे 100 रुपये, क्योंकि मूलधन को जब माइनस कर देंगे तो अपना मान कितना क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज जो निकल के आएगा, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, 300 में से जब 100 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 200, तो 200 अपना क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। अब आपको पता चला मैं साधारण ब्याज कितना आ गया, 200 रुपये। ओके, मैं यहाँ पे हल करके बताता हूँ फ्रेंड्स, हमें निकालना क्या है, टाइम, टी बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज 200 मल्टीप्लाई 100 अपॉन
दर कितने देर के? 10% मल्टीप्लाई मूलधन कितना दे रखा है? 100 रुपए। ओके, 100 से 100 कटोगा, 0 से 0 कटोगा, तो टाइम कितना आ गया अपना? 20 वर्ष। आपने देखा, हमने इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर लिया, और इसकी एक ट्रिक भी लगती है फ्रेंड्स, वो ट्रिक भी देख लीजिए। जब आपको दे रखा हो कि मतलब दर हमें दे रखी थी 10%, ओके, और आपको 3 गुनी हो जाती है, क्या मतलब दर हमें दे रखी आर बराबर, आपको दिख रहा हो शायद, मैं इसको रब कर देता हूँ फ्रेंड्स, मैं इसको रब कर देता हूँ। आपका एक फॉर्मूला और बनता है फ्रेंड्स, आप उससे भी, उस ट्रिक से भी आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाओगे। हमने क्वेश्चन को फास्ट तरीके से सॉल्व कर लिया फ्रेंड्स, आपको पता चला कि हमने दो तरीके से कर लिया, और तीसरा तरीका और देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमें पूछा गया है क्या? टाइम टी बराबर क्या होता है? एन एन माइनस वन अपॉन आर मल्टीप्लाई 100। इस फॉर्मूले से भी आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि हमें एन कितना, यह किसको दर्शाएगा? गुना को, मैं राशि कितना गुना हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो टी बराबर कितना गुना हो रही है? वो 3 गुनी हो रही है, तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 अपॉन आर कितना दे रखा है हमें? 10%। तो हम यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में करेंगे 100, तो हमने देखा 3 में से 1 गया, तो 2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कटोगा, तो 10 दूना 20, टाइम कितना निकल के आया अपना? 20 वर्ष। हमने एक क्वेश्चन को तीन तरीके से करके देखा, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसको आसानी से, इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हो। तो आई एम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अपने AMR लाइव क्लास IT चैनल को जितना शेयर करोगे फ्रेंड्स, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, और आप अपने दोस्तों को शेयर करोगे तो उनको भी फायदा होगा। ओके, तो वो भी कुछ सीख पाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट, हम स्टार्ट करते हैं अपना 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें देखें फ्रेंड्स, में कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, हमें दर पूछी गई है। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, टी बराबर क्या होता है? हमें दर पूछी गई, तो दर यहाँ पे आ जाएगा, टाइम हमें 4 वर्ष, तो आर बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा? एन माइनस वन अपॉन टी 100 से। अब आपने देखा आसानी से हम इस फॉर्मूले में मान पाएंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, आर बराबर होगा, आर बराबर एन माइनस वन, एन कितना दे रखा है हमें? 2 गुनी हो जाती है, मतलब 2 माइनस 1 अपॉन टी, टी कितना दे रखा है हमें? 4 वर्ष, 4 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है? वो 2 गुनी हो जाती है, तो हमने 2 गुना रखा, दर हमें निकालना है, 2 में से 1 गया, तो 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 100, जब हमने 4 में भाग दिया तो 25% हमने आंसर निकाला, अपना मान कितना? 25% अपनी क्या होगी? दर होगी। आप इस क्वेश्चन को 100 मान करके भी हल कर सकते हो, मैं कोई राशि 100 रुपए थी, किस दर पर, मैं हमें दर निकालनी है, 4 वर्ष के लिए हमें टाइम दे रखा है, और कितनी हो जाती है? वो 2 गुना हो जाती है। तो आपने देखा, मैं कोई राशि जब 100 रुपए थी, और वो कितने वर्ष में? 4 वर्ष में कितनी गुना हो जाती है? 2 गुना, क्या मतलब 200 रुपये हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ये क्या हो गया सर, फिर? ब्याज निकाल लेते तो 200 में से 100 रुपये को साधारण ब्याज, तो यहाँ पे देखिए 100, आप इसमें मान रखते हैं आसानी से सोल्व करवाओगे। अब आपको पता है आर बराबर क्या होता है? एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन टी मल्टीप्लाई कितना होता है? टी, तो आर बराबर देखो तो 100 रखोगे यहाँ पे, क्योंकि साधारण ब्याज अपना कितना आ गया? 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन दर कितनी, यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा है हमें? 100, क्योंकि हमने 100 तो यहाँ पे मूलधन क्या आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई टी कितना दे रखा है हमें? 4 वर्ष, तो हम यहाँ पे 4 रख देंगे, 100 से 100 कट हुआ, 4 से भाग दिया हम 100, 100 में कितना अपना? 25% अपनी दर आ जाएगी। मैंने क्वेश्चंस को दो तरीके से सॉल्व करके सिखा दिया फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि क्लास लंबी हो रही है फ्रेंड्स, और मैं आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करवाना चाहता हूँ।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया और आपको आसानी समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, एन माइनस वन अपॉन आर होता है, मल्टीप्लाई 100 किया हमने, एन कितना गुना को दर्शाता है, हमें कितनी गुना राशि हो रही है, मैं 2 गुना हो रही है, 4 गुना हो रही है, 7 गुना हो रही है, 8 गुना, जितना भी आपको गुना दिया जाए आप उनको क्या करोगे, एक को माइनस कर दोगे उसमें से, और टाइम अगर हमें देखो तो टाइम का भाग देख रही है, आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, या आप क्या करोगे यहाँ पे अगर टाइम पूछा जाए तो आप दर का भाग दे करके आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए फ्रेंड्स, तो कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, समझिए। कोई राशि, माना हुआ राशि क्या है, एक्स, मान लीजिए कोई भी राशि क्या है वो एक्स रुपए है। ओके, 5 वर्ष में टाइम हमें कितना दे रखा है, 5 वर्ष, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितनी राशि हो जाती है वो 2 गुनी, तो अपना जो मान आएगा वो क्या रहता है, निसर्धन रहता है, वो 2 गुनी हो जाएगी, तो 2x। ओके, अब आपको पता है 2 गुनी हो जाती है तो आप यहाँ से साधारण ब्याज निकाल सकते हो। साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिश्रधन में से माइनस करते हैं मूलधन को, तो साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन कितना दे रखा है, 2x हो गया, माइनस पी कितना, x। तो हमने देखा साधारण ब्याज निकालना सीख लिया हमने, 2x में से माइनस करेंगे x तो मान कितना आएगा, x। यहाँ पे आपका मान निकल गया है, साधारण ब्याज क्या है, x आ गया, क्योंकि हमने माना मूलधन x रुपये था और वो 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कि एक्स का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो वो 2x हो गया। अब 2x हो गया तो वो मान क्या आ गया, अपना मिश्रधन निकल गया है, क्योंकि मिश्रधन क्या होता है, मैं मिश्रधन हमने देखा a बराबर क्या होता है, पी प्लस ए सही होता है, तो हमने देखा जो मूलधन एक्स रुपये था और इसमें 5 वर्ष का जो ब्याज निकल गया है वो ब्याज भी यहाँ पे ऐड हो गया, तो ब्याज ऐड होने के बाद में अपना मिश्रधन क्या निकल गया, 2x। तो 2x में से हमने क्या किया, साधारण ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में से माइनस करते हैं हम मूलधन को, तो मूलधन को जैसे हमने माइनस किया तो साधारण ब्याज कितना निकल गया, अपना एक्स रुपये। ओके, आप यहाँ तक समझ गए। अब आपको पूछा गया है, साधारण ब्याज हम आपने निकाल लिया, अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें दर नहीं दे रही, क्वेश्चन में आप देख लीजिए दर हमें नहीं दे रही, तो हम दर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आर बराबर क्या हो गया, साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी इंटू टी होता है आपका फॉर्मूला, तो आर बराबर साधारण ब्याज हमें कितना दे रखा है, एक्स रुपये, तो हम एक्स मल्टीप्लाई 100 अपॉन मूलधन कितना दे रखा है हमें, एक्स, क्योंकि एक्स मान के हमने हल किया, तो यहाँ पे मूलधन क्या आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई टाइम कितना दे रखा है हमें, 5 वर्ष, 5 वर्ष में वो कितना हो रहा है, 2x के, 2 गुना हो रहा है, तो 5, एक्स से एक्स कट हो जाएगा, तो दर कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10, 20% आपकी दर आ गई। अब आपको दर निकालना आ गया फ्रेंड्स, आप ऐसे क्वेश्चंस आसानी से सोल्व कर पाएंगे, आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। आपने दर निकाल लिया, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। अब आपको कितना गुना पूछा है, मैं 5 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। ओके, तो आपको पता है अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, कितने वर्ष में, टाइम आपको निकालना है, यहाँ पे टाइम बराबर क्या होता है, एन माइनस वन अपॉन आर मल्टीप्लाई क्या होता है, 100 होता है, आपको ये फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया फ्रेंड्स। तो टी बराबर कितना होता है, एन माइनस वन, कितना गुना हो जाएगा, 5 गुनी हो जाएगी, एन आपको क्या दर्शाता है, गुना को दर्शाता है, तो कितनी गुना हो जाएगी वो राशि, 5 गुना, तो 5 माइनस 1 करोगे, 5 माइनस 1 अपॉन आपकी दर कितनी निकल गई है, यहाँ पे 20%, तो यहाँ पे आप 20 का भाग दोगे तो मान निकल के आ जाएगा 20 पंजे 100, टी बराबर 5 में से 1 गया तो 4 मल्टीप्लाई 5 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 5 चौके 20, कितना मान निकल के आया आपका, 20 वर्ष। जो राशि आपको यहाँ पे एक्स रुपये दे रखी थी वो 5 गुनी कब हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएंगे, तब वो राशि आपकी 5 वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे आपको पहले 5 वर्ष में दे रखा था, 5 वर्ष में कितनी हो रही थी, वो 2x हो रही थी, उसके बाद में तो बताओ वह कितने वर्ष में, कितने टाइम में वो इस दर के हिसाब से, क्योंकि ये दर क्या रहेगी अपनी 20% रहेगी, तो इस दर पर ये दर लगाने के बाद वो कितना वर्ष में कितना गुना हो जाएगी,
पांच गुना कब होगी वो हमने निकाल लिया। टी बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ष। क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स? ओके, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार और कोशिश करें समझने की। ओके, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास अपनी जो कल होगी, तो उसमें हम देखेंगे बचे हुए जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको सब कुछ करवाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो आपकी क्लासेज अगर जितने भी मैं चैप्टर कवर करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो आप अपने आप से प्रैक्टिस ज़रूर करें और क्लासेस रेगुलर लेते रहें। तो मैं स्टार्ट करूँगा आपका कल अपना लेक्चर, जो जितने भी क्वेश्चन आपके बच के प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग, तो वो हम प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ओके, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। और अभी तो आपने AMR लाइव क्लास आई टी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और क्लास को लाइक भी करें। ओके, थैंक यू।